आरकेवी हाउस में सरकार द्वारा नैमिष क्षेत्र में पर्यावरण के विकास एवं ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय को बढ़ाने के लक्ष्य में आरएवी ग्रुप द्वारा किए जा रहे सहयोग तथा ग्रुप की भावी योजनाओं की जानकारी के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वो एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग प्रोग्राम के अंदर हम किसानों को लेके आए, तो ये और तरीके संबंध में बाकी पर्यटन को भी रियल एस्टेट के अंदर बढ़ावा देने के लिए अभी फिलहाल बाकी पर्यटन को एनकरेजमेंट देने के लिए प्लस उसमें भागीदारी लेने के लिए हम लोग पहला रिजॉर्ट मैनसार में मिला रहे हैं। कल हम लोगों का जो इवेंट है वो वही है, लगभग 600-700 लोगों के साथ हम लोग इवेंट कर रहे हैं। तो वो एक मेरी ऐसी पहल है कि जो यूपी में तो छोड़िए अभी हिंदुस्तान में भी उस लेवल का कोई प्रॉपर्टी कॉन्सेप्चुअल थीम बेस्ड प्रॉपर्टी अभी तक डिजाइन नहीं हुई है। वो हम लोग 250 एकड़ का एक ऐसी प्रॉपर्टी ला रहे हैं जो थीम बेस्ड प्रॉपर्टी है, पहली ऐसी प्रॉपर्टी इंडिया में जिसमें आध्यात्मिकता भी है, लग्जरी भी है, एडवेंचर भी है, मल्टी टास्किंग प्रॉपर्टी, इसीलिए उसे मैं कॉन्सेप्चुअल प्रॉपर्टी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है, केवल कॉन्सेप्चुअल प्रॉपर्टी है। वो भी रेवेन्यू जनरेशन के साथ है, जिस तरीके से किसानों के साथ हम लोगों ने किया वो भी हम लोग कर रहे हैं। वहीं उस प्रॉपर्टी में कल हम लोगों का सॉफ्ट लॉन्च है गोल्फ कोर्स का। यूपी में सेलेक्टेड जगहों पर गोल्फ कोर्स है, एक इंटरनेशनल लेवल का 9 होल गोल्फ कोर्स भी हम उसमें बना रहे हैं। ये दो चीजें हैं अभी पर्यटन और किसानों को लेके ऑर्गेनिक और मिलेट। पूरी प्रॉपर्टी जो है वो लगभग 250 एकड़ की है, जिसमें से 100 एकड़ हम लोग ऑर्गेनिक खेती और स्पाइस गार्डन प्लस फ्रूट गार्डन सबके लिए डेडिकेटेड की। 150 एकड़ इसमें से 250 में से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जहाँ पे कॉटेजेस और स्वीट्स वगैरह ये सब है। अभी इसका फर्स्ट फेज जगह हो चुका है जो 30 एकड़ के अंदर है, और इसमें 112 स्वीट हम लेके आ रहे हैं। ये भी हिंदुस्तान की पहला फेज ही बता रहा हूँ, पहली प्रॉपर्टी है जिसमें मात्र 112 स्वीट के अंदर सारे के सारे स्वीट हैं, नॉर्मल कोई स्टैंडर्ड रूम नहीं है, सभी स्वीट हैं। और इसमें 43 स्विमिंग पूल्स हम 112 फीट के ऊपर दे रहे हैं, जिसमें से 40 स्विमिंग पूल जो है वो ऑल वेदर स्विमिंग पूल है। यूपी के अंदर तो ये एक अपने आप में एक माइलस्टोन टूरिज्म के उसमें पर्यटन के उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिस तरह की एमिनिटीज, जिस तरह की हम लग्जरी और नेचर और आध्यात्मिकता का समन्वय करते हुए